नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। हॉट केक बना हुआ मुंगेर सीट को लेकर के एक खबर आ रही है और खबर यह है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आज अपना नामांकन भरा है। बकायदा गाजे बाजे के साथ वो नामांकन भरने गई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनका मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच वो जाएंगी, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी? मेरा विकास का मुद्दा है। मुंगेर की जनता परिवर्तन चाह रही है और मुंगेर की जनता में परिवर्तन की लहर चल रही है और विकास की मुद्दा को लेकर मैं जा रही हूँ जनता को सेवा कर। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होंगे आपके पास? महिलाओं के दुख सुख में खड़ी रहेंगे, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे, महिलाओं की आवाज़ को संसद में बुलंद करूँगी, बच्चों का कुपोषण, बच्चों का पढ़ाई, अच्छा यहाँ पर तीन कल का बेरोजगारी है, लेकिन बाबूजी उसके बेरोजगारी है, तीन काल लेकिन बाबूजी जो उसके मृत्यु पर तय हो रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? कारखानों पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर मैं यहाँ जीत कर जाती हूँ तो मुंगेर की जनता के लिए संसद में आवाज़ को, उनकी आवाज़ को मैं बुलंद करूँगी। अभी आपके विपक्षी में भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो भी अपने दावे को ठोके होते, ऐसे में उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मुंगेर की जनता ही जवाब दे। क्या लगता है आपकी जीत पक्की है? एकदम पक्की है। जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का मेरे साथ प्यार है, जनता परिवर्तन चाह रही है। तो देखा आपने कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी दावा कर रही है मुंगेर के विकास का, तमाम मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेगी ऐसा उनका दावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीलम सिंह विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। अनंत सिंह के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है मुंगेर में, उनकी पत्नी है, अनंत सिंह सिटिंग एमएलए हैं वहां से, तो जाहिर सी बात है कि सीट बहुत ही हॉटकेक सीट बन गया है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेहद करीबी हैं ललन सिंह, वो भी अपना किस्मत आजमा रहे थे। यानी सीधा टक्कर होगा नीलम देवी वर्सेस ललन सिंह की, और देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है आगे। इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।